तिजवा कमौसी जिंदाबाद वर्सेस कमरिया हिला रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक भारी जंग छिड़ चुकी है। लोग ये कहना चाहते हैं पवन सिंह का ये होलीज वाला सॉन्ग जो हिंदी में है, हिंदी ऑडियंस के लिए है और साथ साथ इसे भोजपुरी ऑडियंस भी देख रही है। तो चलिए, भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के भतीजवा कमौसी जिंदाबाद के व्यूज़ को टच करके दिखाए। तोड़ना तो दूर की बात है, बस टच कर दिखाए। भाई, ये आजकल जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के फैंस के बीच, ये तो भाई हर सीमाएं पार करने को तैयार है। जी हाँ, पवन सिंह के गाने के बाद लोगों का ये कहना है, जब से उनका गाना रिलीज़ हुआ है, YouTube में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है, तो भाई सभी का ये कहना है कि ये जो गाना है पवन सिंह का और उसके जो व्यूज़ हैं वो सब कुछ फेक है। जो ट्रेंडिंग में भी बना हुआ है ये भी फेक है। इसके लिए तो हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये बता दें, ये सब कुछ बिल्कुल फेक नहीं है, क्योंकि ट्रेंडिंग में आना फेक नहीं होता है और इतना बड़ा व्यूज़ हासिल करना भी कोई मजाक नहीं होता है। खैर, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, भतीजवा के मौसी जिंदाबाद को लेकर खेसारी लाल यादव के फैंस कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं। उनका ये कहना है कि पवन सिंह के ओवरऑल पूरे होली सॉन्ग को मिला दिया जाएगा, चाहे वो भोजपुरी में आए चाहे वो हिंदी में आए। जो लगातार उनके व्यूज़ अभी हाल ही में गिर रहे थे, उन सभी को लेकर आ जाए तो भी वो भतीजवा के मौसी जिंदाबाद के व्यूज़ को टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये गाना लोगों को बहुत पसंद है। और भाई, खेसारी लाल यादव का यही पवन सिंह पर भारी पड़ गया है। यहाँ पर हम उन लोगों को ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं सिर्फ भतीजवा कमौसी जिंदाबाद और खेसारी का कोई और गाना देख लीजिए, भाई इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, उसके भी व्यूज़ नहीं आए हैं, तो किसी पर भी इस तरह का एलिगेंस लगाना बिल्कुल गलत है। आप दोनों फैंस यानी खेसारी और पवन के फैंस एक बहुत बड़े सुपरस्टार्स के फैंस हैं, तो उनकी कुछ तो इज्जत रखिए, इस तरह से आपस में मत लड़िए। हाँ, खेसारी वर्सेस पवन सिंह समझ में भी आता है, लेकिन गाना वर्सेस गाना, भाई ये तो एक नया ट्रेंड चल रहा है। अगर पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर कोई नया कीर्तिमान स्थापित होगा या फिर कोई एक नई जंग शुरू होगी? इससे बेटर ये है कि आप दोनों एक दूसरों के गानों को इंजॉय कीजिए और होली के हृदंग में खो जाइए, ताकि ये कीजिए कि किसका गाना किससे बेहतर है और किसका गाना किसके ऊपर है। जो भी है, यकीन मानिए दोनों गाने अपने अपने जगह सही हैं, दोनों बहुत बेहतरीन हैं। सो भाई, जाइए और दोनों गानों को इस होली में इंजॉय कीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।